हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पर्पल ऐप का हॉल करने जा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, पर्पल ऐप से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी परचेज की होगी, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने आज तक पर्पल से कभी कोई चीज़ परचेज नहीं की थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें कार्ट में स्टोर कर तो रखी थी, बट क्योंकि मेरा कार्ट बहुत ही बड़ा होते जा रहा था, कॉस्टिंग बहुत हाई हो रही थी, मैं प्रॉपर ऑफर का वेट कर रही थी। सो रिसेंटली इलाइट मेंबरशिप के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया था, जिसमें 1 पे 1 प्रोडक्ट फ्री मिल रहे थे सारे इलाइट प्रोडक्ट्स पे। अगर आप लोगों को इलाइट के बारे में नहीं पता, तो ये एक मेंबरशिप है जो purple.com दे रहा है, जिसे आप 1 ईयर या फिर 1 मंथ के लिए भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी रिजनेबल रेट में और बहुत सारे डिफरेंट ऑफर्स आते हैं इलाइट प्रोडक्ट्स के लिए। इलाइट मेंबरशिप में आते हैं बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स, यानी कि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, अल्प्स के प्रोडक्ट, स्टेक वर्की के प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे लोगों के, जिनके प्रोडक्ट्स आपको 1 पे 1 मिल रहे थे उस टाइम पे। सो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को शो करूंगी, जो मेरे लिए भी फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी मिली है या नहीं। सो फ्रेंड्स, वक्त ज्यादा नहीं गवाते और इस हॉल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने परचेस किया ये नीम का ऑयल। ये ऑयल मैं अपने हेयर के लिए यूज़ करूँगी, वैसे ये फेस पे भी यूज़ हो सकता है, पर क्योंकि मैं जनरली अलमंड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, इस बार मैंने डिसाइड किया अलमंड ऑयल, नीम ऑयल और भी कुछ ऑयल्स है जिसका मिक्स करके मैं अपने हेयर पे ट्राई करना चाहती हूँ 1 महीने के लिए। अगर उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये ऑयल के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कोई और नीम ऑयल लेने से अच्छा मैं गुड वाइब्स का नीम ऑयल ले लूँ। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है गुड वाइब्स का ऑरेंज पाउडर। जी फ्रेंड्स, जनरली तो मैं इसे घर पर ही बनाती हूँ, बट क्योंकि मुझे इसे बाहर का भी ट्राई करना था कि ये कैसा वर्क करता है, मैंने इसे गुड वाइब्स से परचेस किया। वैसे तो विटामिन सी हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें ऑरेंज पाउडर के थ्रू मिल सकता है, इसलिए मैं इसे रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इस बार गुड वाइब्स का ट्राई करने का सोचा, बट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि मुझे इसमें सिर्फ 1/2 पाउडर का पैकेट आया, जो कि क्वान्टिटी में बहुत कम होता है इस प्राइस रेंज में। अगर मैं इसे घर पर ही बनाऊं तो फ्री में बन जाता है और ज्यादा तामझाम भी नहीं है। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं अगर आप ये पाउडर घर पर बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। जी फ्रेंड्स, जनरली मेरी स्किन ऑयली है, इसलिए मैं क्रीम बेस्ड कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने ये ऑरेंज जेल को परचेज किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑरेंज हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा और इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने परचेज किया है। ये ऐसे फॉर्म में आता है और इसकी स्मेल एक्चुअली ऑरेंज की तरह है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है वो है गुड वाइब्स का अर्गन ऑयल। इसमें गोल्ड लिप्स भी एडेड है, जो मेरी स्किन को टाइटन करेगा, एज लाइन से बचाएगा और ये रात के मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। मुझे इसके रिव्यूज़ अच्छे लगे थे, क्योंकि मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं परचेस किए, मैंने रिव्यूज़ के बेस पे प्रोडक्ट्स को परचेस किए हैं। ये प्रोडक्ट की क्वान्टिटी थोड़ी कम है जो कि एक्सपेक्टेड था, और इसके साथ ये ड्रॉपर भी मिला है मुझे। ये है अर्गन ऑयल की बॉटल और इसमें एक्चुअली पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। जब भी इस्तेमाल करना है इसे मुझे शेक करके इस्तेमाल करना है, ताकि वो पार्टिकल सब में मिक्स हो जाए और ये हमारे फेस में प्रॉपरली यूज़ हो सके। इसे बस आपको ड्रॉपर की मदद से लेके फेस पे ऐसे अप्लाई करना है और मसाज करना है 2 मिनट के लिए। बेस्ट होगा अगर आप इसे रात को इस्तेमाल करें और अप्लाई करके सो जाए। मैंने अल्प्स का रोज स्क्रब परचेस किया है, जो कि काफ़ी रिजनेबल रेंज में था, इसलिए मुझे इसे परचेस करना था। रोज़ के रिलेटेड मैंने कभी भी कोई स्क्रब इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था एक बार मैं इसे यूज़ करके देखूं और देखूंगी कि अगर मैं इसे घर पर बना सकती हूँ, अगर बना पाई तो आप लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने अल्प्स के ये 3 पाउडर्स भी परचेस किए हैं। एक है ये लोटस पाउडर, एलोवेरा पाउडर और आमला पाउडर। ये तीनों हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे इसके रिलेटेड कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने थे, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। एलोवेरा के प्रोडक्ट्स तो आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, पर एलोवेरा पाउडर का इस्तेमाल करने से और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लोटस जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, आंवला उसमें तो विटामिन सी होती है, इसलिए मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स को एक बार इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट मैंने परचेस किए हैं
मिस्टेक वर्की की ये लिक्विड लिपस्टिक्स। ये दोनों लिपस्टिक के शेड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मैंने आज तक ऐसे शेड्स लगाए नहीं है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे तो या तो न्यूड शेड्स में जाते हैं या तो रेगुलर कलर्स में जाते हैं, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट कलर्स चाहिए थे जो कि डार्क हो और जो कि मैंने मेरी स्किन में कभी अप्लाई ना की हो। तो इस बार मैंने परचेस किया था ये ब्लू कलर। जी फ्रेंड्स, ये डार्क ब्लू कलर मैंने परचेस किया और एक जो मैंने परचेस किया है वो है ये ब्लैक कलर। ये दो कलर की लिपस्टिक्स मैंने परचेस की है। इसके थ्रू मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल भी ट्राई करने वाली हूँ जिससे आपको पता चल सके अगर आप कभी ऐसी लिपस्टिक ट्राई करना चाहे तो आपकी स्किन पे सूट करेगी या नहीं। ये दोनों शेड्स मैंने डार्क वाले परचेस किए थे। नेक्स्ट मैंने परचेस किया ये आईब्रो रेजर। वैसे तो मैंने इसे शीन में भी देखा था और भी दो तीन वेबसाइट्स में देखा था, बट वहाँ पे सब जगह पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव था इसलिए मैंने इस साइट से इसे परचेस किया। इसमें मुझे 1+1 नहीं मिला है क्योंकि ये इलाइट प्रोडक्ट के कैटेगरी में नहीं था, बट क्योंकि रिजनेबल रेंज में था मैंने इसे परचेस किया। और हाँ, मैंने गुड वाइब्स का एक फेस वॉश भी परचेस किया था। मेरे पास फेस वॉश ख़त्म होने आया था और एज एन इन्फ्लुएंसर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे सकूँ। सो इस बार मैंने परचेस किया था गुड वाइब्स का ये लेमन फेस वॉश। ये हमारी स्किन को ब्राइटन रखेगा और इसमें विटामिन सी की मात्रा है और आप लोगों को पता ही है जहाँ भी विटामिन सी की मात्रा होती है वो चीज़ें मैं हमेशा परचेस करती हूँ। तो ये मैं ट्राई करके देखूँगी 1 या 2 महीने के लिए और इसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। अब आपने स्टेक वर्की की मिनी लिपस्टिक्स के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें 6 कलर की किट्स आती है, जिसमें से मैंने सबसे फर्स्ट वाली किट परचेज की। मैंने सोचा वैसे भी मुझे शूट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगते हैं, देन आई शुड गो फॉर द मिनी लिपस्टिक और चाहिए तो मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। ये एक बॉक्स पैकेजिंग के साथ आता है जिसके अंदर सारे छोटे छोटे शेड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, काफ़ी अफोर्डेबल है। 400 में हमें सारी लिपस्टिक्स मिल जाती है जबकि हम अलग से परचेस करने जाए तो मुश्किल से 400 में एक लिपस्टिक हमें मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने purple.com से परचेस की थी। इसका टोटल कॉस्टिंग मुझे हुआ था 2100 rupees इवन इलाइट मेंबरशिप पूरे साल की मिला के। अगर इसे मैं पहले परचेस कर रही थी तो मुझे कार्ट में कुछ 4,000 to 5,000 का कॉस्टिंग जा रहा था। इसके साथ साथ मुझे गुड वाइब्स ने भेजे हैं 2 sample sachet, एक है फेस मास्क का और एक शैम्पू का है, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम में शेयर करूंगी। आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, ऐसी छोटे छोटे रिव्यूज में वहां पे शेयर करती रहती हूँ। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।